यहां के जनजातीय समुदाय के पूर्वजों ने प्रभु श्री राम के वनवास कालखंड में उनकी मदद के लिए पलक पावड़े बिछाए होंगे। और आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और भव्य मंदिर निर्माण के साथ भगवान जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो उनका आशीर्वाद उतनी तेजी के साथ हमें प्राप्त होगा। ये जो योजनाएं हैं, ये राम राज्य की पूर्व की आधारशिला है, राम राज्य की आधारशिला। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र और भाषा के नाम पर, किसी भी बात के नाम पर नहीं। परिवार और जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज का दोहन किया, गरीब का शोषण किया, बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगाया, खतरे में डाला, नौजवानों की रोजगार पर डकैती डालने का कार्य किया, अन्नदाता किसानों का शोषण किया। लेकिन आज कोई शोषण नहीं कर सकता, बहन बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, नौजवानों की नौकरी और रोजगार में कोई डकैती नहीं डाल सकता, गरीब के अधिकार को जबरन हड़पने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। यही डबल इंजन की ताकत है। हमने फिरके में बांटने का कार्य नहीं किया, हमने जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं बांटा है। हमारे लिए तो परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और हमारे लिए तो ये जनता ही जनार्दन के रूप में है लोकतंत्र में। इसकी सेवा करके हम लोग लोकतंत्र को पुष्ट करने वाले लोग हैं, उसको मजबूती प्रदान करने वाले लोग हैं और इसीलिए आज मैं सोनभद्र में विशेष रूप से आया हूं।